आधी रात को मन्नत कहाँ चली गई? इसका मतलब मनु आज भी सबको गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है। वो आज भी फरहान से रिश्ते में है। पर अब और नहीं, मैं इससे सुभान की मोहब्बत का और मजाक नहीं बनाने दूंगी। भाई आप ना किसी पीर फकीर से अपना फ्यूचर पता कराओ, मुझे ना आपके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रही है। और तू ना अपनी जबान बंद रख, ना ये स्प्रे ना तुझे अपने मुंह पे लगाना पड़ेगा। मैं तो स्प्रे मुंह पे लगा लूंगा, और अगर मुझसे कोई आके पूछेगा कि तेरा मुंह कैसे फूटा तो बोल दूंगा भाई को समझाने के चक्कर में। मगर आपसे अगर आके किसी ने पूछा कि आप कहां से पेट के आए तो आप क्या बोलोगे? मतलब जब से दुनिया बनी है ना तब से आशिक अपनी आशुका, इट्स माशुका। ओके, करेक्शन नोटेड, रिपीट। जब से दुनिया बनी है तब से आशिक अपनी माशुका के लिए लोगों को पीटने आए हैं, मगर आप पहले ऐसे इंसान हैं जो अपनी माशुका की बहन के लिए किसी से पिट के आ गए। मतलब मुझे ना आप 100% डबल सिम के फोन लगते हो। अपनी साली के लिए कोई इतनी मार खाता है क्या? कोई खा भी नहीं सकता इतनी मार, और कोई मेरे जितना खुश नसीब थोड़ी ना होता है। मतलब ये कि जो कुछ भी मैंने किया वो अपनी साली के लिए नहीं, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए किया। वो दोस्त जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो दोस्त जिसने अपनी अपनी खुद की मोहब्बत कुर्बान कर दी ताकि मुझे मेरी मोहब्बत मिल सके। सूफी, आई एम वेरी लकी, मेरे पास मेरी मोहब्बत है, मेरी दुनिया है, मेरी मन्नत है, और मेरे पास मेरी सबसे अच्छी दोस्त है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दांव पे लगा सकती है। दिल तो कर रहा है तुम्हारा गला घोट दूं, मगर नहीं, तुम सबकी नजर में उठ नहीं सकती, और मैं ऐसा करके सबकी नजर में गिर नहीं सकती। मुझे तुम्हें हराना है। आपने मुझ पे बैग क्यों फेंका? आप कहीं जा रही है क्या? नहीं, मेरा मतलब है अगर ये बैग मुझे लग जाता ना तो मेरे चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता। और मन्नत तो मेरे से शादी करने से इनकारी कर देती। मन्नत छोड़, वो रजिया भी तुझसे निकाह करने के लिए नहीं मानेगी बेवकूफ। और तू क्या इस चेहरे के पीछे पड़ा है? इतनी क्यों फिक्र हो रही तुझे चेहरे की? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा बेवकूफ। अरे क्यों नहीं बचा? अरे दादी अम्मी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत चेहरा मेरा। आपको पता है कि जब भी आना मुझे देखता ना तो मेरी तारीफ ही करता है। चुप हो जा बेवकूफ, वरना तेरी बहुत पिटाई करूंगी मैं। अरे हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है अरमान, चल तू सामान बांध और निकल यहाँ से। दादी अम्मी कैसी बात कर रही है आप, इतनी रात को कहाँ निकलूंगा मैं? अरमान बेटा, मैं बहुत अच्छी जगह जानती हूँ, तू जामा मस्जिद चला जा। ये बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं मस्जिद में, तू उन सीढ़ियों पे ना चटाई बिछाकर कंबल लेकर रात को सो जाना। सुबह उठकर जोर जोर से वहीं पे चीखना, अल्लाह के नाम पे जय देसाई, होगा तेरा भला, तेरी औलाद का भला, देसाई देसाई।
अरे मेरे बच्चे, माला माल हो जाएगा तू। पैसे आएंगे तेरे पास, पैसे आएंगे। ओ, अपनी दादी अम्मी को भूलेगा नहीं ना तू? दादी अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? चुप रह तू बेवकूफ, मारूंगी तुझे मैं। उछल उछल के एक दावा कर रहा था तू कि वो फरहान सब कुछ संभालेगा। क्या खाक संभाला है वो सड़छाप आदमी ने? अरे जेवर का बैग उसकी आंखों के सामने वही पड़ा हुआ था। अकल के अंधे को दिखाई नहीं दिया क्या? हम उस मनहूस इबादत के सामने हार गए, बर्बाद हो गए हम। सुभान को तो मन्नत मिल जाएगी, मगर हमें गले लगकर रोने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा अरमान। और यह सब तेरी वजह से हुआ है ना मुराद? तेरी सारी मंसूबा बंदी कुड़ गोबर बन के रह गई। दादी अम्मी मेरी बात सुनो। दादी अम्मी मत, मुझे मारूंगी। एक मिनट दादी अम्मी बैठिए तो सही। आप भी ना फिक्र में कुछ ज्यादा आधी हो जाती है। आपको लगता है कि एक ईंट निकल जाने से पूरी दीवार गिर जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। मानता हूं दादी अम्मी हम ये बाजी हारे हैं, लेकिन हम ये बाजी हार के भी जीते दादी अम्मी। ना मुराद कहीं के, तू क्या शाहरुख खान बना हुआ है? ये डायलॉग शाहरुख पे ही अच्छा लगता है। अरे दादी अम्मी पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सुनूंगी। सुननी पड़ेगी। हम ये बाजी हारे जरूर है, मगर अभी खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो मन्नत सुभान से शादी नहीं करेगी, बस आप देखते जाइए पूरी बाजी पलटने वाली है। कुछ नहीं बदलने वाला है बेवकूफ, बस ये घर बदलने वाला है हमारे लिए। सड़कों पे आने वाले हैं हम लोग अरमान। दादी अम्मी अगर आप फुटबॉल खेलती ना तो आपको मालूम होता हर एक गोल खुद नहीं किया जाता, पास भी किया जाता है, और हमारी तरफ से गोल मन्नत करेगी। ये कोई फुटबॉल मैच नहीं है अरमान, और हम हार गए हैं, और ये तेरी वजह से हारे हैं हम। तेरी वजह से। दादी अम्मी दादा अबू की तरह आपको शेर पेश करता हूं। इरशाद अपने दुश्मनों को घसीटूंगा पीटूंगा। दादी अम्मी मैं आपका भरोसा फिर से एक बार जीतूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको ऐसा नजारा दिखाऊंगा कि आप मुझे याद रखेंगे, क्योंकि आपका पोता नहीं एक होता। मन्नत अब हम क्या करेंगे? अपना पूरा प्लान फेल हो चुका है। उसी बात अपने सारे सेवर बड़ी अम्मी के पास रखवा के अब क्या करोगी? मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ अरमान। मैंने इबादत का भरोसा फिर से जीत लिया है। अब मुझे बस उस बेवकूफ के भरोसे का फायदा उठाना है। कल वो मुझे सुभान की दुल्हन बनाने की तैयारी करेगी और मैं उसे चकमा देकर फरहान के साथ भाग जाऊंगी। पर तुम फरहान के साथ भागोगी कैसे? वो तो खुद ही फरहान हो चुका है। तुम बहुत भोले हो अरमान, चलो मेरे साथ। क्या कर रहा है? मेरा फरहान की हर एक्टिविटी पर नजर रख रहा है, और मौका मिलते ही वो मुझे यहाँ से दूर, बहुत दूर ले जाएगा। मैं कल सुबह का वेट कर रही हूँ। बस एक बार कैसे भी करके वो ज्वेलरी मेरे हाथ लग जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और एक नई लाइफ शुरू करूंगी जिसमें मैं होंगी, मेरा फरहान होगा और ढेर सारी खुशियां होंगी। तुम्हारी गलत फहमी है मन्नत, नई दुनिया तो तुम बसाओगी मगर फरहान के साथ नहीं, मेरे साथ। क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल मैं हूं, कल से मैं और तुम हम होने वाले हैं। मन्नत मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले मेरे साथ। अच्छा हमें चलता हूँ, किसी ने हमें साथ में दिख ले तो प्रॉब्लम हो सकती है। मन्नू दिनाक को मन्नत कहाँ चली गई? मन्नू
सड़की पे क्यों खड़ी है? घर से बाहर क्यों जा रही है? वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना हैदर, पता ही नहीं चलता। वो बेटी जो तुम मेरी गोद में छोड़कर गए थे, वो अब जवान हो चुकी है। उसकी दुनिया बदलने वाली है। वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं रहेगी अब, वो किसी की बीवी, किसी की बहू बनने वाली है। जैसे जैसे कल का दिन करीब आ रहा है ना, मुझे एक अजीब सी कैफियत हो रही है। एक ही पल में खुश भी हूँ और उदास भी। मुझे एक कमी खाए जा रही है और वो कमी है आपकी। काश आप यहाँ होते तो अपनी बच्ची को दुल्हन के जोड़े में देखते, उसे अपने हाथों से रुखसत करते। आप अभी तक सोई नहीं? तू भी तो नहीं सोई दुआ। आज तू जिस एहसास से गुजर रही है ना मेरी बच्ची, 26 साल पहले मेरी भी यही हालत थी। एक ऐसी ही रात, एक ऐसा ही लम्हा जब मेरी बेटी रुखसत होने वाली थी, मैं भी बिल्कुल अकेली थी। तेरे अब्बू का तो इंतकाल हो गया था ना दुआ, और कोई ऐसा था ही नहीं जो मेरे आंसू पहुंच सके। मगर तू तो खुशकिस्मत है कि तेरी मां अभी जिंदा है, तेरे साथ है तेरे आंसू पहुंचने के लिए। मन्नत मेरी जान, आई लव यू। मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा अगर तुम मुझे नहीं मिली तो। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। फरहान, ये तो फरहान की आवाज है। इसका मतलब मन्नु आज भी सबको गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है। वो आज भी फरहान से रिश्ते में है। पर अब और नहीं, मैं इससे सुभान की मोहब्बत का और मजाक नहीं बनाने दूंगी। घर से फिर बाहर निकल आई, अब क्या कर रही है? सुभान तो यही आ रहा है। अगर सुभान ने मन्नत को फरहान के साथ देख लिया तो सुभान का दिल टूट जाएगा। ओह नो, क्या करूं?
इश्क की राहों में कुर्बानिया मौला। हम ओके। तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, वो एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैं, तुम जानती हो कि मन्नत बाहर क्यों है? हाँ, वो मन्नत को भी शायद नींद नहीं आ रही थी तो बाहर आ गई होगी ताजी हवा में। अब तुम ठीक हो? क्या? बिग डे टुमारो। क्या? मैं मम्मी से मिल के आता हूँ। सुभान। तुम मन्नत से मिलने नहीं जा सकते। क्यों? शादी के सारे रूल्स ब्रेक कर चुके हो तुम दोनों। एक रूल तो बचा के रखो। कहते हैं कि शादी से पहले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलने चाहिए। अपशगुन होता है। इबादत में इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। ये मन्नत से जरूरी पता है। नो वे नो। मतलब? मुझे पता है कि तुम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते। पर तुम निकाह के बाद आरसी मुशाफ में मुलाकात कर लेना मन्नत से। आरसी मुशाफ क्या था? निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे के सामने बिठाया जाता है। उनके बीच में कुरान शरीफ और आईना रख दिया जाता है। उस आईने में दुल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा देखता है। रस्म तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं इबादत में शायद खुश नहीं हुआ। मैं जिस शादी का इतने सालों से इंतजार था वो कल हो रही है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खुश क्यों नहीं हूँ नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि शादी एक ऐसा पॉइंट होता है जब जिंदगी की ट्रेन अलग ट्रैक पकड़ लेती है। तुम परेशान मत हो, अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे अपॉइंट किया है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, बस चलते जाओ। बस मेरी बच्ची, दुआ, तेरा आंगन सूना नहीं होगा बेटा। मन्नत रुखसत जरूर होगी मगर यही इसी घर में रहेगी तेरे आंखों के सामने। अल्लाह मन्नत और सुभान की उम्र दराज करे। आमीन अम्मी, पर ये तसल्ली ज्यादा दिन नहीं रहेगी। एक ना एक दिन तो हफीज अपनी बीवी और बच्चों को लेकर लंदन लौट जाएगा और उसके साथ मेरी मन्नू को भी जाना पड़ेगा। मेरी मन्नू मुझसे दूर हो ही जाएगी। उसमें रोना क्या है बेटा, यही तो होता है। औरत जात को पहले एक घर में पैदा किया जाता है, उसके बाद उसको इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि यही उसका अपना घर है और बाकी सारी दुनिया पराई। और फिर एकदम से अपने ही घर से पराया कर दिया जाता है। उसे एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, एक नए घर को अपनाना पड़ता है। यही हमारी तहजीब की रीत है दुआ।
यही इस मुआशरे में हर औरत की तकदीर है और इस पर कोई बहस भी नहीं की जा सकती। हैरत तो थी मुझे कि खुद ने तुम जैसे लोग भी पढ़े हैं जो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। I'm sorry यार, I'm really sorry। यही वजह से तुम्हारी मौत बहुत खुशी रह गई, लेकिन नाराज भी हूं मैं तुमसे। मैंने कितनी बार तुमसे पूछा कि whether you love me or not, मैं हमेशा मुझसे झूठ बोला। तो किस बात का कि ये बात मुझे तुमसे नहीं पता चली, तू मम्मी के थ्रू पता चले। और यू नो, मैं फक्र महसूस करता हूं कि मेरी उस नौ मुझे सबसे अच्छी दोस्त। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यू आर ऑलवेज वेलकम। हम मिले भी नहीं थे और जुदा हो गए हैं, क्यों खफा हो गए हैं मौला। रब से मन्नत, तुम सुभान के साथ जो कर रही हो उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।